एयर जड़ा वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इन एयर वो इन्नी आ गई और वोल्टेज ऑफ स्लैब जहां कह सकते हैं वोल्टेज ऑफ स्लैब जी इन्नी आ गई। सो उस तो बाद देखो जी दोनों अही दोनों कोई चीज कॉमन आती है ई नोट कॉमन है ई नोट जरा कॉमन कर लागे सो ये साढ़े कॉमन आ गया। सो कॉमन जी चीज आ गई आफ्टर जरा कॉमन तो बाद की आजगा साढ़े को इधर डी बाई टी है फॉर्मूले च प्लस है सो इतने प्लस आजगा उस तो बाद इधर ता की बचता वैल्यू ई नोट तो कॉमन आ गया ये के बच गया टी पाउन के बच गया। सो उस तो बाद देखो जी ए वाली चीज साढ़े को बच गई है उस तो बाद जरा ई नोट है ई नोट साढ़े को हों जी जरा ई नोट है यदि वैल्यू ही अगे भी लिखते रहे हैं ई नोट साढ़े को हों सिगमा पाउन एप्सिलॉन नोट। सो ये वाला अभी फॉर्मूला करते रहे हैं सो ई नोट की वैल्यू सिगमा पाउन एप्सिलॉन नोट भर दो जी ये सिगमा साडा सरफेस चार्ज डेंसिटी है एप्सिलॉन नोट साडी परमिटिविटी होंगी है जी। सो वेखो जी ये जो वैल्यू पुट करांगे इतने आजगा सिगमा पाउन एप्सिलॉन नोट विच हैगी जी डी माइनस टी प्लस टी पाउन के हैगा जी। सो उस तो बाद देखो जी अगे अं सिगमा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं साढ़े को जो सिगमा वा सिगमा की वैल्यू होंगी है जी चार्ज पाउन एरिया। सो ये साढ़े सिगमा की वैल्यू आ गई है सो सिगमा की वैल्यू इतने पुट कर दो सो ये भी आजगा साढ़े को चार्ज पाउन एरिया नाल एप्सिलॉन नोट आजगा फिर नाल जिहड़ा ये वाला एज इट इज है डी डी माइनस टी प्लस टी पाउन के। सो उस तो बाद देखो जी जिहड़ा तुहाडा ये चार्ज आ गया वा जिहड़ा क्यू आ गया वा क्यू की वैल्यू ही की पुट कर सकते हैं थोड़ी जी मैनूं जगह इधर बना लैंदे हो जी इहदे वास्ते क्योंकि इहनूं ही इधर सोल्व करांगे। सो वेखो जी इहदे वास्ते मैं थोड़ी जगह मैनूं ज्यादा जरूरत बैठी है सो इहदे वास्ते वेखो जी जिहड़ा क्यू आ क्यू की वैल्यू साढ़े कोल की आजूगी सो जिहड़ी क्यू की वैल्यू आ उहनूं इहदे विच असीं पुट करदे हां सो क्यू की वैल्यू साढ़े कोल किन्नी है जी क्योंकि जिहड़ा साडा क्यू आ क्यू साडा हुंदा जी चार्ज इज इक्वल टू ये साढ़े कोल हुंदा जी क्यू इज इक्वल टू सी वी जिहड़ा क्यू आ उहनूं असीं लिख लैंदे हां ये साडा चार्ज दा फॉर्मूला हुंदा जी बड़ी बार यूज किया क्यू इज इक्वल टू सी वी। सो वेखो जी ए वाली क्वेश्चन दे विच क्यू दी वैल्यू असीं की भरनी है सी वी पुट करनी है साडे कोल सी की आ जाऊगा इत्थे वी सी वी आ गया नीचे ए और नाल इहदे आ गया जी एप्सिलॉन नॉट आ गया और ब्रैकेट दे विच साडे कोल की आ गया जी डी माइनस टी प्लस टी पॉन के। सो वेखो जी उस तो बाद वेखो जी जिहड़ा ये वोल्टेज नाल कैंसल आउट हो जाऊगा बिल्कुल हो जाऊगा जी और आफ्टर कैंसलेशन साडे कोल साढ़े को सी की वैल्यू आजूगी क्योंकि अं कैलकुलेटेड कपैसिटेंस जी कैलकुलेट करनी है मीनस कपैसिटर की कपैसिटेंस कैलकुलेट करनी है साढ़े को सी का बहुत वधिया रिलेशन आऊगा जी इतने सो सी का की रिलेशन आ गया जी देखो सी को कैलकुलेट करने वास्ते ए इधर चल जूगा ए पॉन एप्सिलॉन नॉट इधर चल जूगा और ये डिवाइड के आजूगा यह आजूगा डी माइनस टी प्लस टी पॉन ए। सो ये वाला रिलेशन आ गया क्योंकि अं कपैसिटेंस ही कैलकुलेट करनी है देखो जी अगर ये डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट है अगर अं एयर वास्ते कैलकुलेट करते हैं के साड़ी की आजूगी वन आजूगी के साड़ी कहते वास्ते वन आजूगी फॉर एयर वास्ते अगर एयर वास्ते ये वन आ गई ना तो यह माइनस की और प्लस की जरा कैंसल आउट हो जाने हैं और जो तो कैंसल आउट हो गए ताडे कोल ए एप्सिलॉन नॉट पॉन डी जो कैपैसिटेंस बच जाना जो सा शुरू वाला रिलेशन है अगर ये जी कैपैसिटेंस है अगर ये जो प्लेट्स लगी वा अगर ये प्लेट्स जी सीरीज के भी लगी या पैरल के भी लगी वा या किसी भी तरीके लगी वा वो वास्ते फिर ताड़ी जी टी आ अलग अलग तरीके आऊगी अगर सीरीज के कुछ रिलेशन होर होगा सारिया प्लस हो गई इदा करके ब्रैक इलाके बट वास्ते कुछ रिलेशन डिफरेंट होगा बट अहीं इहदे विच मतलब सिर्फ एयर करके दस्सिया कि एयर एयर ना करके कहिंदे जे ए वाला तुहाडा माइनस टी और प्लस टी कैंसल आउट हो जाणगे ए एप्सिलॉन नॉट पॉन डी जिहड़ा साडा कैपैसिटेंस बच जाऊगा। सो वेखो जी इहदे विच आंसर आ गया ए वाला सो इहनूं तुसीं नोट कर लियो और कॉपी ते चंगी तरह ड्राफ्ट दी मतलब कि नोट करके रख लियो समझ लियो चंगी तरह थैंक यू।